तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए आज की बेहद ही बड़े और ताजा खबरें, जिन्हें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों इन सभी खबरों में हम जानेंगे, 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुका है अनलॉक 4। मोदी सरकार की ओर से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं ये बड़े नियम। जान लीजिए इन सभी नियमों को, वरना हो सकते हैं बड़े नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर अनलॉक 4 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुका है। ऐसे में सभी लोगों के लिए मोदी सरकार ने कुछ बड़े और नए नियम लागू कर दिए हैं। इन सभी नियमों को दोस्तों जान लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, अब इन लोगों को घर बनवाने के लिए मिलेंगे 3.5 लाख रुपए। ऐसे करें आवेदन, यहां हो रही है बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपना घर बनवाएं और मोदी सरकार उसके लिए आपको 3.5 लाख रुपए दे, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए मोदी सरकार 3.5 लाख रुपए आपके घर बनवाने के लिए दे रही है। तो हम जानेंगे आखिरकार कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से आपको यहाँ पर कागज जमा करने पड़ेंगे जिससे कि आपको ये 3.5 लाख रुपए आपके घर बनवाने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों जानने के लिए पूरी जानकारी वीडियो को देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप भी हैं 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ निकली हैं बड़ी भर्तियाँ। मोदी सरकार करने जा रही है महिला और पुरुषों की बड़ी भर्ती, 1500 से अधिक हैं पद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हैं 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी भर्ती निकाल दी गई है, जिसमें आपको 1500 से अधिक पद देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मोदी सरकार की ओर से यहाँ पर बड़ी भर्तियाँ निकाल दी गई हैं। हम जानेंगे आखिरकार आप कैसे इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और कैसे इस भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों, अब जिनके पास है जनधन खाता, उनको सरकार दे रही है ये 10 जबरदस्त फायदे, जिनको सुनकर चौंक जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी जनधन का खाता है, तो आपको अब मोदी सरकार ये 10 बड़े फायदे दे रही है। दोस्तों कौन से फायदे हैं जो कि सिर्फ जनधन खाता धारकों को ही मिल रहे हैं, हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो अगर आपके पास भी जनधन का खाता है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिएगा, हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अब ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए आई बड़ी खबर। अगर आप भी जा रहे हैं ट्रेन से यात्रा करने, तो जान लीजिए इस खबर को। रेलवे ने अभी अभी की है बड़ी घोषणा, अब इस तारीख से चालू हो जाएंगी सभी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए रेलवे की ओर से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों, शराब पान मसाला बीड़ी और गुटखा के शौकीनों के लिए आई बड़ी खबर, अब इन 4 राज्यों में बंद हो जाएंगे ये सभी। अगर आप भी करते हैं इनका सेवन, तो हो जाइए सावधान, लग सकता है इतने 1000 रुपए का चूना। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी के लिए शराब पान गुटखा मसाला इन 4 राज्यों में बंद होने जा रहे हैं। तो अगर आप भी इनका सेवन करते हैं या फिर आपके घर में कोई भी इनका सेवन करता है, तो दोस्तों आप इस खबर को जान लीजिए, वरना अगर आप अब इनका सेवन करते हुए पाए गए, तो दोस्तों अब आपको 5000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों तो दोस्तों कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर पान मसाला गुटखा और बीड़ी तंबाकू सहित शराब को बैन किया गया है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इन सभी खबरों को हम जानेंगे आगे वीडियो में एक एक करके, लेकिन इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें। आपसे दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों पहली खबर, खत्म हुआ लॉकडाउन, आम आदमी को मिली है बड़ी राहत। चाहे हो गरीब या फिर अमीर, सबको मिल रही है अब बड़ी राहत। यहाँ की सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा, अब नहीं लगेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक शनिवार और रविवार को 2 दिन तक लॉकडाउन लागू किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ पर बड़ी घोषणा की गई है, और बताया गया है कि अब यूपी में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दें, अभी रविवार को यहाँ पर लॉकडाउन को लागू रखा जाएगा, यानी कि केवल और केवल शनिवार का ही लॉकडाउन को हटाया गया है, लेकिन रविवार को अभी भी लागू रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी के हैं यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगली खबर, मोदी सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा, अब इन लोगों को मिलेगा फ्री में घर। ऐसे करें आवेदन, जानिए कैसे करनी है बुकिंग, कैसे मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी के लिए यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया है कि 3.5 लाख, जी हाँ 3.5 लाख रुपए सभी को दिए जाएंगे, ताकि वो अपने घर बनवा सके। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी घर हो, आपका खुद का घर हो, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर मोदी सरकार आपका सपना साकार करने के लिए 3.5 लाख रुपए आपको अपना घर बनवाने के लिए दे रही है। तो दोस्तों आपको ये पैसे कैसे लेने हैं, कैसे आपको यहाँ पर बुकिंग करवानी है और कैसे आपको आवेदन करना है, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों। दरअसल दोस्तों बता दें कि
प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। जी हाँ, इस योजना के तहत दोस्तों आपको 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसके तहत आप अपना घर बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का घर बनवाएं तो वो भी अपना घर बनवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी शादी हुई हुई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बता दें, अगर आप भी अपना आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों कहीं पर भी जाकर, जी हाँ, किसी भी CSC पर जाकर वहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत आपको 3.5 लाख रुपए अपना घर बनवाने के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, हम आपको साइट भी बता देते हैं, pmaymis.gov.in। दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैसे आवेदन करना है आपको यहीं पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों 8वीं 10वीं और 12वीं पास के लिए आ चुकी है बड़ी खबर, अब आपको मिलेगी सरकारी नौकरी। यहाँ पर निकली है बम्पर भर्तियाँ। अगर आप भी हैं 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास तो नौकरी पाने का है बेहतरीन मौका। जी हाँ दोस्तों, बता दें सरकार की ओर से यहाँ पर बहुत ही बड़ी भर्ती 8वीं 10वीं और 12वीं पास के लिए निकाली गई है। तो अगर आप भी 8वीं पास हैं 10वीं पास या फिर 12वीं पास है तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी भर्ती कराई जा रही है। दोस्तों आपको यहाँ पर हम पूरी जानकारी देंगे कैसे आपको आवेदन करना है और कहाँ पर ये भर्तियाँ निकाली गई हैं, हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाले हैं। तो अगर आप भी 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास हैं तो अच्छी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों बता दें कि SSB की ओर से यानी सशस्त्र सीमा बल की ओर से आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी भर्ती निकाली गई है। यानी कि सही शब्दों में कहें तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक आर्मी जैसी यहाँ पर ये भर्ती है, जैसी आर्मी में होती है लगभग उसी तरह की आपकी यहाँ पर भर्ती कराई जाएगी। इसमें दोस्तों 1500 जी हाँ 1500 पदों पर आपके भर्ती कराई जाएगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है और अगर आप पुरुष हैं या फिर महिला हैं तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 1500 पद इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आवेदन कर दीजिए और आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी मोदी सरकार नौकरी देने का पूरा प्रयास करेगी। दोस्तों इसके लिए अंतिम तारीख 27 सितंबर रखी गई है, यानी 27 सितंबर के लिए दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा, तभी आपको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। अगर आपने जरा भी देरी की तो आपको यहाँ पर भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जिनके पास है जनधन खाता, अब उनको मिलेंगे ये 10 जबरदस्त फायदे। सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान, जनधन खाता धारकों को मोदी सरकार दे रही है ये बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो दोस्तों आपके लिए मोदी सरकार ये 10 बड़े फायदे दे रही है। दोस्तों अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो आप इन फायदों को जान लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इन फायदों के बारे में नहीं पता है और वो इनको लेने से चूक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार आपको बता दें कि 6 महीने तक, जी हाँ, आपको खाता खोलने पर आपको ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा देती है, जिसमें दोस्तों आप खाता खोलने के बाद 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दोस्तों आपको बता दें कि आपका मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, कोई आपको चोट लग जाती है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन ये तभी मिलते हैं जब आपके पास में जनधन का खाता है। साथ ही दोस्तों मोदी सरकार की ओर से आपको 30,000 रुपए भी दिए जाते हैं, जिसको लाइफ कवर के तहत आपको यहाँ पर 30,000 रुपए मिलते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आपका जनधन खाता है और आपकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाती है तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपके परिवार को 30,000 रुपए मोदी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप बैंक की ओर से और भी कुछ बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन आपके पास इनके लिए जनधन खाता होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपको बीमा भी दिया जाता है, पेंशन भी दी जाती है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए भी दिए जाते हैं और श्रम योगी मानधन योजना के तहत भी आपको कई बड़े लाभ दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी हैं शराब के शौकीन तो मोदी सरकार ने कर दी है ये बड़ी घोषणा। अब देश के इन राज्यों में बंद होने जा रही है शराब, बीड़ी और गुटखा। जान लीजिए पूरी खबर वरना लग जाएगा इतने 1000 का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी शराब, बियर या फिर बीड़ी गुटखा के शौकीन हैं तो दोस्तों आपके लिए बता दें यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अगर आपने इस खबर को छोड़ दिया तो आपको आगे आने वाले दिनों में अगर आप शराब, बियर, बीड़ी, गुटखा कुछ भी खाते हुए पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाएगा और आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आखिर कौन कौन से राज्यों में मोदी सरकार इन सभी शराब, बियर, बीड़ी, गुटखा, पान सभी को बंद करने जा रही है, आपके लिए दोस्तों यहाँ पर हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी प्रकार से जान लीजिए वरना आपको यहाँ पर 20,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें मोदी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश समेत महाराष्ट्र में भी बियर, शराब या फिर गुटखा, पान, मसाला इन सब को बैन करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही दोस्तों अगर आप भी ट्रेन से करने वाले हैं सफर तो रेलवे ने आपके लिए दे दी है बड़ी खुशखबरी। अब चलने जा रही हैं इतनी अतिरिक्त ट्रेनें, सभी को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी ट्रेन से कहीं भी आप आना जाना चाहते हैं, अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, अपने काम की ओर लौटना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए रेलवे की ओर से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि रेलवे अब 100 और ट्रेनें चलाएगा।
जी हाँ, यानी कि अभी तक जितनी भी ट्रेनें चलती थी अब उसमें 100 और ट्रेनों को शामिल कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब आने वाले त्यौहार हैं। जी हाँ, दिवाली और दशहरा त्यौहार आने वाले हैं, जिनको देखते हुए रेलवे की ओर से यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं, काम पर जाना चाहते हैं, अपनी नौकरी पर जाना चाहते हैं, या फिर कहीं भी आप आना जाना चाहते हैं, तो रेलवे की ओर से आप सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकाल दी गई है। रेलवे की ओर से ये अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब इन राज्यों में बंद होने जा रहे हैं पॉलीथीन यानी कि कैरी बैग। अगर आप भी जाते हैं बाजार तो जान लीजिए इस खबर को। अब अगर आपने इस्तेमाल किया ऐसी पॉलीथीन तो होगा बड़ा नुकसान, लग सकता है 5,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अब अगर आपने कैरी बैग जो पॉलीथीन के होते हैं, इस तरह के जो आप देख रहे हैं फोटो में, इस तरह के अगर आपने पॉलीथीन को इस्तेमाल किया कोई भी सब्जी लाते समय या फिर कोई भी सामान लाते समय, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर जुर्माना देना पड़ सकता है। क्योंकि राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में यहाँ पर इन तरह के कैरी बैग यानी पॉलीथीन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है दोस्तों।